मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष व झाबुआ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि भगवान श्री राम के विचारों को मन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी व परिवार के साथ न्याय करे वह सभी समाज के साथ न्याय करे, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने किया था, अपनी जनता के साथ न्याय किया था। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा कि भगवान राम सबके हैं, सबके मन में है। मैं व मेरा पूरा परिवार भगवान श्री राम का मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हम सबको बहुत खुशी है कि उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम लोग निश्चित तौर पर सपरिवार और सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार मंदिर पूर्ण हो जाएगा हम लोग जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और झाबुआ और मध्य प्रदेश और पूरे देश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो जीवन का पथ उन्होंने सबको दिखाया है, चाहे वो सहिष्णुता हो, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हो, सहन करने की क्षमता हो, हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े होने की क्षमता हो, हर विकट परिस्थिति में भी लड़ाई लड़कर उस पर विजय पाने की क्षमता हो, अपने परिवार के प्रति अपनी पत्नी के प्रति सादर आदर भाव रखने की जो उनकी क्षमता है, और इन सबको अब हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो निश्चित तौर पर हम भगवान राम को अपने दिल में भी पाएंगे। और यही उनके जीवन का उद्देश्य था, और जिसको अगर हम अपनी जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर राम जी को जब हम दिल में बिठाएंगे तो पूरी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, सबका परिवार बिल्कुल दर्शन करने भी जाएंगे और रामलला का आशीर्वाद लेकर आएंगे। और मैं ये मानता हूं कि भगवान सब दूर हैं और हम लोग हर दिन उनको पूछते हैं, तो दिल में तो हमारे जिंदा है, और जब बुलावा आएगा भगवान का तो निश्चित तौर पर हम लोग जाकर पूरे परिवार के साथ हम दर्शन कर कराएंगे।